बसत अयोध्या जिनके तीर में बसत अयोध्या राजा श्री रघुवीर चले चलो मन श्री सरजू के तीर अयोध्या भले ही नगरी हो लेकिन इसका आध्यात्म और इसका महत्व पूरे विश्व में व्याप्त है। इसको शब्दों में व्याख्या करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राम है आस्था और राम है अब राजनीति भी। मैं इस समय हूँ ऐसे ही एक महिमा मंडन में जहाँ पर सिर्फ बात राम की नहीं बल्कि राम और राजनीति की भी होगी। MB बिहारी दास हमारे साथ हैं। दास साहब बाबू ये बताइए कि इस बार राम का क्या महत्व है आपके लिए और चुनाव? देखिए चूंकि ये चुनाव अयोध्या में हो रहा है, अयोध्या के आप विधानसभा में हैं, तो जहां अयोध्या की चर्चा होगी वहां राम की चर्चा होगी। और जो राम के नाम पर जैसे हमारे यहां BJP का को लोग राम जी को प्रमुखता से अपने सामने रखते हैं तो राम के शरण में हैं, लेकिन सभी पार्टियां मंदिर मंदिर उनके नेता सब लोग साधु संत सबके यहाँ जा रहे हैं, इसलिए अयोध्या में राम का महत्व है क्योंकि अयोध्या राम के नाम से जानी जाती है, अयोध्या का आदमी राम के नाम से जाना जाता है, अयोध्या के नाम से जाना जाता है। गाकर हमें बताएं राम का महल। देखिए ये अगर राजनीति की बात करें तो मिश्रा जी ये बताइए कि राम ही हर चुनाव पार लगाएंगे BJP के लिए? नहीं नहीं, राम जी जो है यही कारण अज अगुन स्वरूपा राम भयउ कौशल पुरभोपा, वो अयोध्या का ब्रह्म तत्व है। सृष्टि की अयोध्या पहली नगरी है, इस नाते जो है राम तो भारत के आत्मा में बसते हैं और जिनके लिए पूरा भारत व्याकुल है। पूरा भारत ने चाहा कि राम मंदिर का निर्माण हो तो राम के भरोसे नहीं, राम हमारी आत्मा में है, सनातन में है, इसलिए जो है आप लोग जोड़ते हैं कि राम के भरोसे हम हैं। आपने तो स्लोगन में ही डाल दिया जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, आप राम को लेकर आए थे? नहीं, हमने राम तो प्रकट खुद प्रकट भय, आप प्रकट भय विधि न बनाए, इनको किसी सृष्टि ने नहीं बनाया है, खुद राम प्रकट हुए हैं। हमने राम मंदिर को सजावा है, संवारा है, उनको सुसज्जित किया है, फूल माला पहनाई है, वो अधूरा श्रृंगार था हमने पूरा किया, यही हमने राम के लिए किया है। बाकी जी, तो राम समाजवादी पार्टी को क्या पीछे छोड़ दे रहे हैं कि साथ में चल रहे हैं? देखिए राम जी आस्था के केंद्र हैं, एक चीज राम को सब मानते हैं और राम मंदिर का जो फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया, सरकार ने ट्रस्ट बना दिया, हिंदू जनमानस चंदा दे रहा है, भाजपा के लोग केवल राम के नाम को भुनाने का काम कर रहे हैं। अरे मित्र जो है एक गलत बात बोल रहे हैं, हमने जो है देखिए मैं इनके नहीं बोला ना, आप पूरी बात सुन लीजिए, नहीं पूरी बात सुन लीजिए आप, मैं ये जब तक बोलेंगे ये एक घंटा बोले दो घंटा बोले मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर मैं 5 मिनट बोलूंगा तो इनसे कह दीजिए मेरे ना बोले। राम को ये केवल भुना रहे हैं, इतनी देर 5 मिनट कम से कम इन्होंने बात किया, लेकिन विकास की बात इन्होंने किया, शिक्षा की बात किया, रोजगार की बात किया, महिलाओं को कैसे उन्नत होगी कैसे सुरक्षा होगी उसकी बात किया। राम सबके आस्था के केंद्र है, हमने पहले बताया सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और राम मंदिर के लिए ही नहीं आया, मस्जिद के लिए भी आया, निर्णय आया तो मस्जिद अयोध्या क्षेत्र जिले में एक गांव धन्नीपुर है वहां इनके ट्रस्ट के लोगों ने जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई वो लोग वहाँ मंदिर का मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं, जमीन पाए हैं, सरकार ने पैसा उनको दिया है, यहाँ मंदिर का काम हो रहा है। मस्जिद और मंदिर पर ही आप चुनाव लड़ेंगे कि कोई और मुद्दा हो? हम मंदिर मस्जिद पर कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो विकास पर भी चुनाव लड़ रहे हैं, हमने हम शिक्षा पर भी चुनाव लड़ रहे हैं, महिला सुरक्षा पर चुनाव लड़ रहे हैं, भारत के हम सब पर चुनाव ये कह रहे हैं ना। अगर सब पर ये चुनाव लड़ रहे होते तो दलित की बेटी की हत्या कर दी जाती है बलात्कार करके और रात में 12 बजे उसको जो है जला दिया जाता है। हिंदू धर्म के ठेकेदार जो हैं इनको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में रात में 12 बजे हिंदू धर्म में जो है नहीं जलाया, उसके परिवार के लोग धर्म की बात करते हैं और धर्म की नीतियों का ही उल्लंघन करते हैं। ये जो है सपा के प्रवक्ता हैं, ऐसे 500 दंगे हुए, सचिन और गौरव मार दिए जाते हैं बीच रोड पर दोपहरिया में, लेकिन कोई जो है
उस पर इनकी सरकार एक शब्द नहीं बोलती है। 2013 मुजफ्फरनगर पहुंचा। मैं इनके ये पहली बात तो अपनी जानकारी सही करें, मैं सपा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं सपा का जो है महानगर उपाध्यक्ष हूं। और धर्म की ये बात करते फिर इनको मैं बता रहा हूं, संजय निषाद जो इनके पार्टी से अलायंस करके लड़ रहा है, उसका बयान आया कि राम जी राजा दशरथ के लड़के नहीं है। और जो है वहाँ श्रृंगी ऋषि कहाँ बताया उसने, अपने उसमें बताया कि वो उनके लड़के हैं, इतना बड़ा आरोप लगा दिया। ये लोग कहाँ बैठे थे, क्यों नहीं उसको जो है पार्टी से अलग किए, क्यों उसे अलायंस करके लड़ रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस पे ये बतावें, बताइए भाई क्या हो? ये जो है यही कारण अगुन अरूपा ब्रह्म भयो कौशल भरपूर, ब्रह्म जो है किसी के लड़के और पोतर नहीं है, वो खुद में अवतरित हुए हैं। आप कि राम राम जी प्रकट भय कृपाला, राम जी स्वयं प्रकट हुए, लेकिन इनके लोग, इनसे अलायंस करने लोग, इनके मंत्री, इनके जो प्रमुख लोग हैं, वो इस तरह से बयान करेंगे। स्वर पे एक बार बात कर लेते हैं कि जब ध्वनि और स्वर की बात होती है तो राम को कैसे गुंजायमान कर देते हैं। जिनके तीर पे बसत अयोध्या राजा श्री रघुवीर, चलो मन श्री सरजू के तीर, चलो मन श्री सरजू के तीर, अनुज सखा सेवक संग बिहरे हाथ लिए धनु तीर, चलो मन श्री सर। सरयू की स्थिति में कोई परिवर्तन आया पहले की सरकार और इस सरकार? इस सरकार ने पहले उसका नाम घाघरा था, पर पुराणों में वेदों में जहाँ सरजू का नाम है, इसलिए उनका पुनः जो शुद्ध नाम था उस नाम से इस सरकार ने इसका नाम सरजू फिर अपने आलेखों में लेखों में उसको सुधारा है। और भी बदला है कि सिर्फ नाम ही बदला है? नहीं, अयोध्या का नाम बना, अयोध्या में भी और जैसे बाईपास हैं, रामपैड़ी है, तमाम शिक्षा के क्षेत्र में सभी कार्य करते हैं। विगत 25-20 सालों में बसपा सपा और भाजपा तीनों की सरकारें रही हैं और सभी सरकारें अपने अपने हिसाब से काम कर रही, लेकिन जितने बार यहाँ पर मुख्यमंत्री आए उसमें अपना काम दिखाया, लोगों को दिखाया रामपैड़ी नहाने लायक नहीं थी, आज नहाने लायक है। तो चूंकि 2 साल कोविड होने के कारण, आवागमन बंद होने के कारण विकास के कार्यों में कमियां थी, यदि बेरोजगारी शिक्षा इतना बड़ा समस्या है भारत में, उतने सीट नौकरियां तो हैं नहीं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई अयोध्या में, तो पूर्व की सरकारों ने इस पर बहुत काम नहीं किया, ये सरकार कोविड के कारण नहीं काम की। कोविड का बहाना ही है कि कुछ और भी काम होगा? ऐसा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, योगी और मोदी जी की सरकार द्वारा कभी काम बाधित नहीं हुए। आप देखेंगे इस अयोध्या को बनारस से जोड़ा गया, फोर लेन से, चित्रकूट से जोड़ा गया, जगदीशपुर होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए, मिल्कीपुर होते हुए अयोध्या को जोड़ा गया। इस तरह से अयोध्या को रिंग रोड मिली। सबको जोड़ रहे हैं, जनता को नहीं जोड़ पा रहे हैं। वोटर आपसे खिन्न क्यों है? वोटर इनसे इसलिए पूरी तरह खिन्न है कि 5 साल केवल जनता को इन्होंने दुख दिया, पीड़ा दिया, महिलाओं की सुरक्षा नहीं किया, छात्रों को लैपटॉप नहीं दे पाए, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पाए। इनके देखिए, इनके देखिए, एक मिनट सुनिए, जब 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 बेरोजगार नौकरी मांग रहे थे तब इन लोगों ने उनके ऊपर बंदूक के राइफल के बटों से मारने का काम किया है। और एक मिनट सुन लीजिए, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये सुनिए, सुनिए, जोड़ने की बात, ये कह रहे हैं ना, कीर्तन रुकवा देते हैं हनुमानगढ़ी में, हनुमान चालीसा। सुन लीजिए इनका, इनका सुन लीजिए, सुनिए, ये कह रहे हैं ना, एक मिनट, ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना, ये केवल हल्ला करके बात दबाना चाहते हैं, ये केवल हल्ला करके, हम ये कह रहे हैं, ये 10 काम बता दें, 10 काम बता दें अयोध्या में जो किया हो, 10 काम केवल बता दें, और मैं 20 काम बताऊंगा जो अयोध्या में हुआ है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देते हैं, सबका विकास सबका साथ का नारा देते हैं, अभी महाराज जी ने भी स्वीकार किया, चाहे दबे मन से स्वीकार किया कि हाँ ये अयोध्या में विकास नहीं कर पाए हैं, चाहे 14 कोसी पंचकोसी उच्चीकरण का मामला हो, चाहे उसके किनारे अच्छे अच्छे पेड़ लगाकर नीम पाकड़ पारिजात जैसे वृक्ष लगा, काम इन्होंने किया है तो बीजेपी ने क्या? सुनिए, देखिए, कम से कम झूठ झूठ का भी कोई हिसाब होता है। ये 10 काम कर रहे हैं, मैं 100 काम गिना रहा हूँ, लिखिए कलम कॉपी उठाइए, लिखिए
लिखिए कोई लिखने वाला हो, आपके सामने अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका लोकार्पण किया, भारतीय बनाया इन्होंने कि लोकार्पण किया। दोनों, आप दोनों ये जान लीजिए, उस क्षेत्र में चले जाइए, आप सुनिए, ये कुछ नहीं कि जिस ये कोई एक काम बता दे जिसका ये सिला मेरा चैलेंज है। अगर ये अंडरग्राउंड बिजली इनकी है तो मैं राजनीति जोड़ दूंगा, अगर ये साबित कर दे, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। अगर अंडरग्राउंड का है, सीवर लाइन इनका है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, मेरा चैलेंज है। इस पे मेरा चैलेंज है। नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय तो पता नहीं, लेकिन वोटरों को अपना करने के लिए, उनका हृदय जीतने के लिए हर राजनीतिक दल हर कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहिवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज।